तो आज मैं मदर्स की बाउल के अंदर सैलेड डाल रहा हूँ और सैलेड के अंदर खीरा, अनियन, टमाटर और अनार। इतनी जल्दी जल्दी आपने बता दिया, हमें समझ नहीं आई। इसके बाद जो है वो ट्रेस भी फिर आप ही रेडी करेंगे आज, ठीक है जी। आज की जो अफ्तारी का इंतज़ाम है वो हमारी एक बहन है, रुफसाना बहन, यूके में रहती है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन वो उन्हें फ़िक्र है हमारी इन माओं की, जो कि उनके क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि हमारी जो माएँ हैं वो रोज़ा रखती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि हमारी इन माओं की सहरी और अफ्तारी की फ़िक्र करते हैं, और उन्हें ये ख्याल होता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें अफ्तारी में बननी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन बहन को जो है वो जहाँ पे भी रहें अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और उनकी जान माल और औलाद में अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, आमीन। अच्छा, आज जो है अफ्तारी में हमारी जो माओं की ट्रेस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, तो सात बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और इस्माइल जो है वो हमें बताएंगे कि आज ट्रे में हमने जो है क्या क्या तैयार किया है। तो आज माओं की जो ट्रे है उनके अंदर पैटीज है, खजूरे हैं, ठीक है, टिक्की और ड्रमस्टिक है, और इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन की हमने कैबेज डाला है और सैलड है, सैलड के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, और थोड़ी सी ये सवैया है, ऐसा लग रहा है जैसे ईद है और हम ईद पे सर्व कर रहे हैं। आज आपको ईद लग रही है, वैसे आज जुमे का दिन है वो भी ईद के बराबर ही होता है। सवैया को इस तरह जैसे बनाया और हमें ओके, ठीक है जी। तो आप अब लेकर चलें ट्रेस, ठीक है, तो अंदर चलते हैं क्योंकि तमाम हमारी जो माएँ हैं वो इस वक्त टीवी लॉन्च में मौजूद हैं। Thank you.